शॉर्ट और स्वीट मैं मतलब चढ़ा चला और उधर गया और यहाँ आ गया आप सबके पास. तो फैशन का ऐसा है कि मुझे मज़ा आता है ये करने में, बिकॉज यू आर वेल ड्रेस्ड, यू आर वेल पुट टुगेदर. आपके लिए कोई कारीगरी करके परफेक्टली एक आउटफिट बनाता है आपके हिसाब से, और आप सबके सामने चलते हैं और सब आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके लिए चीयर करते हैं. तो एक्टर होने का अगर मैं कहूँगा एक पर्क होता है, तो कहीं ना कहीं एक फील गुड फैक्टर ज़रूर होता है ऐसे शो करने में. आपको अपने बारे में अच्छा फील करने का मौका मिलता है. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक्स टू हेलो ऑडी एंड शांतनु निखिल जिन्होंने मेरे लिए पर्सनली ये बनाया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी वॉकिंग. मज़ा आता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी करनी चाहिए जिसमें मज़ा आया आदमी. नहीं यार, वो मेरे एक मित्र हैं कुणाल रावल, उन्होंने मुझे वेटरन बना दिया है. उनके लिए इतनी बार चला हूँ, अब आदत हो गई है, अब मज़ा आने लगा है. क्योंकि अब मतलब विदाउट मेकिंग अ लॉन्ग आंसर, पहले लगता था यार लोग मुझे देखना पसंद करते हैं या नहीं, यू नो शुरुआत में ऐसा अजीब लगता है. आपको भी आदत नहीं हुई है अपने एक रिएक्शन की, आपको लगता है यार आप मेरे लिए रिएक्ट कर रहे हैं. अब ऑब्वियसली पता है कि आपके दोस्त हैं, लोग हैं, आपकी आपकी काम की प्रशंसा हुई है, तो अभी अच्छा भी लगता है जाते हुए. नर्वसनेस अब नहीं होती. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? जी, इनका शांतनु निखिल का इस शो का थीम आज था कीपिंग इट ऑब्वियसली इंडो वेस्टर्न का एक फ्यूजन है, थोड़ा सा उन्होंने चेंज भी किया है. ये मेरे लिए अभी लास्ट मिनट उन्होंने आज शाम को मुझे ट्राई करा है अभी के अभी, और मुझे बहुत पसंद आया, मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे अंदर डिटेल भी है और ये जो कॉलर था साथ में, ये इन्होंने जो ऐड किया है, तो उनकी मिलिट्री थीम थी. इट वॉज अ मैस्कुलिन टेस्टोस्टेरोन अग्रेसिव थीम, ऑल मेंस लाइन थी. तो अच्छे कपड़े मिल गए पहनने को, मैं आ गया. निजी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में यार मैं अपने खुद के कपड़े चुनता हूँ अभी तक. अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी मेरी जिंदगी में आई नहीं है जो चुन सके मेरे लिए कपड़े. ट्राई करो एक सप्ताह. सारे कैमरे पे आज ये चलेगा. हाँ, एवन हम ये करवा रहे हैं. अच्छा, चलिए. हाँ अर्जुन, कार पसंद है आपको? हाँ यार, गाड़ी तो सबको पसंद है. मैंने हाल ही में नई गाड़ी खरीदी थी. मुझे गाड़ियों का शौक है बचपन में. मैं एक सनसनीखेज खुलासा करता हूँ आप सबके सामने, क्योंकि आज विस्तार से बात कर रहे हैं. मैंने अपने घर का बिस्तर जो बनाया था ना, मैंने अपने पापा से दरख्वास्त की थी मुझे गाड़ी वाला बिस्तर चाहिए. तो उन्होंने आगे क्या है वो शू का कबर्ड बना दिया था ऐसे बॉनेट के जैसे, और साइड में दो प्लास्टिक के पहिए लगवाए थे, और पूरा गाड़ी का बेड और पीछे बैक रेस्ट में उन्होंने गाड़ियों के एम्बलम लगा दिए थे. तो बचपन से बहुत शौक रहा है. कभी पता नहीं था कि उस मकाम पर पहुँचूँगा कि अपनी खुद की गाड़ी ले पाऊँगा. तो पहले ली थी जब इशकजादे लगी थी, और अब हाल ही में नई गाड़ी ली है. तो गाड़ियों का शौकीन हूँ, पर अभी धीरे धीरे मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये शौक बहुत महंगा शौक है. यार राइट नाउ आई एम डीप नेक डीप इन द मिडल ऑफ प्रेप फॉर दिवाकर सर्स फिल्म. इट इज आई कांट गो इनटू डिटेल्स ऑफ व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज इट विल कम आउट सून, बट आई हैव बीन ट्रैवलिंग. आई वाज अवे इन दिल्ली फॉर अ बिट विद हिम. आई हैव बीन ट्रैवलिंग विद हिम, आई हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम, गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर. And it's a film that's based in a very realistic texture, so I've had to spend time connecting with that world where the film is set. So इस वक्त उस पर काफ़ी मेहनत चल रही है, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी क्लियर डायरेक्टर. उनको पता है एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो उनके साथ जितनी शूटिंग के दिन हैं उतने प्रेप के दिन हैं. और वो उन्होंने मुझसे कमिटमेंट ली थी जब मैंने पिक्चर साइन की कि यार शूटिंग तो हम करेक्टली कर लेंगे बिकॉज इट टेक्स एक्स नंबर ऑफ डेज. आई वॉन्ट यू टू गिव एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम to the prep as well. So that's what I'm doing right now.